तो भाई अब 2 दिन बचे हैं आपको केमिस्ट्री के टेस्ट को। इट्स ऑन मंडे, आज अब आपके पास सैटरडे और संडे बचा है। तो ये वीडियो मैं नहीं बनाता, बट कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का रादर रिक्वेस्ट आया था मेरे पास, तो मैंने बोला क्यों नहीं उनको हेल्प कर दूं। देखिए, सैटरडे मैंने चैप्टर वाइज लिख लिया है। सबसे पहले सैटरडे 8 बजे लेटेस्ट आप उठ जाओ और 8 से 3 घंटे का सॉलिड पढ़ाई करो। क्या करोगे? स्टडी ऑफ कंपाउंड, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में जितने भी कंपाउंड्स है, चारों आपके चारों के लैब प्रिपरेशन विथ इक्वेशन कंडीशन हेबर्स प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो भी नेम्ड प्रोसेस है, अमोनिया इन एक्सेस विथ क्लोरीन, क्लोरीन इन एक्सेस विथ अमोनिया, H2SO4 का कब एक्ट करता है, किस रिएक्शन में एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, कहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा, सब कुछ अच्छे से स्टडी ऑफ कंपाउंड 8 से 11 तुम पढ़ो। बस आधा घंटा का गैप लो, चलो 1 घंटा का ज्यादा बोल दिया मैंने। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब छोटे छोटे गैप्स में पढ़ेंगे। पहला 3 घंटे के लिए मैंने, बिकॉज स्टडी ऑफ कंपाउंड में 4 टॉपिक है, 11 से 12 एक घंटा सिर्फ आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हालांकि ज्यादा टाइम है, बट स्टिल डू द इंटायर थिंग। लास्ट 10 ईयर्स अगर देखना चाहो देख सकते हो, डिफरेंट स्कूल के पेपर्स देख सकते हो, कैसा क्वेश्चन दिया है, रिवाइज एवरीथिंग, हाईएस्ट आईपी किसका है, कैसे ट्रेंड चेंज होता है अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, एवरीथिंग। दिस 1 आवर यू आर डेडिकेटेड टू पीरियोडिक टेबल सिर्फ। क्लियर है? समझ गए? अच्छा 1 बजे फिर बैठिए आप, नहीं फिर आप 12:30 बजे बैठिए आप, आधा घंटा का गैप लो। 1:30 डू केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में ऑफकोर्स कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना। और एक टेबल है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का डिफरेंस दिया हुआ है, अच्छे से करना, वहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, स्पेशल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है सब करना है आपको अच्छे से। चल फिर आधा घंटा गैप लीजिए, 2 से 3 बजे, 2 से 3 बजे आप आइएगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में अगेन मैं बोल दूं, जो भी एप्लीकेशन है ठीक है वो आपको इलेक्ट्रोलिसिस का जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, आप अच्छे से करना। एप्लीकेशन से क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है एप्लीकेशन से। स्टडी ऑफ कंपाउंड से आपका जो लैब प्रिपरेशन है वहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 से 3 इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से पढ़ो, जितना रिएक्शंस है कैथोड का एनोड का ठीक है, रिएक्शंस प्रोडक्ट क्या बनना सब अच्छे से करो। फिर आधे घंटे का गैप लो ठीक है, 3:30 to 4:30 हाफ एन आवर का गैप लो सिर्फ। गो थ्रू मेटलर्जी। मेटलर्जी में एल्यूमिनियम आपका है, उसका एक्सट्रैक्शन है, बेयर्स प्रोसेस, जितने रिएक्शंस है कंडीशंस रीजंस फंक्शंस सब करना है आपको। हॉल हेरॉक्स का वहां पे भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, हॉल हेरॉक में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ सकता है। एलॉज जितने हैं सिलेबस में वही पढ़ना आप। रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, डिफरेंस देख लेना। 1 घंटा पूरा डेडिकेटेड मेटलर्जी, मेटलर्जी इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हो गया आपका। बैठिए 5 बजे, 5 से 6 1 घंटा। 1 घंटा आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स देखोगे। क्या देखोगे? मोल कॉन्सेप्ट, इम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फिर से आप क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, रिएक्शन बेस सम। रिएक्शन बेस सम आएगा ही आएगा, रिएक्शन बेस सम आप प्लेलिस्ट में आना, वहां पे मैंने बना के रखा बहुत पहले ठीक है, और अगर वो देख लिया आपने तो आपका काम हो गया पूरा ठीक है। रिएक्शन बेस सम देखो, 6 बज चुका है शाम, 1 घंटा का, बिकॉज आधा आधा घंटा का, अभी 1 घंटा का आप लोग 7 बजे आ जाओ, 7 से 8:30 1.5 घंटा दे रहा हूं। एसिड बेसेस सॉल्ट,
एसिड बेसिस सॉल्ट देखो, आधा घंटा गैप, 9 से 10, 10:30 आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से देखो पूरा रिएक्शंस, लैब प्रिपरेशन विद डायग्राम, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यू कैन गेट अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम हियर, अंडरस्टूड ऑर नॉट। अब आपके पास देखो 11 बजे आप बैठ जाओ, 11 से जितना टान सकते हो, मे बी 12:30, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है भाई, यहां पे कोई भी एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर उठा लो या आईसीसी का स्पेसिमेन पेपर उठा लो और देख लो। तो ये आपका शेड्यूल होगा सैटरडे को, और अगर मौका मिले, अगर मौका मिले इन बिटवीन, तो मैंने ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। अब संडे, संडे का मैं शेड्यूल आपको आज नहीं बता रहा हूं, संडे का शेड्यूल मैं कल बताऊंगा। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा स्ट्रेटजी पे वो मैं संडे का बनाऊंगा कल। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।